नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी वक्त में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इन 10 विधानसभा सीटों में यदि किसी चर्चित सीट का जिक्र किया जाए तो वो है मैनपुरी की करहल सीट। जी हां, करहल सीट से 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव ने करहल से जबरदस्त जीत हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनकर अपनी भूमिका को निभाने का काम किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जिस तरीके से राजनीति करते हुए नजर आए और उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, कन्नौज से अखिलेश यादव को बड़ी जीत मिली और अब उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब वहां पर उपचुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव को लेकर पुरजोर कोशिशें कर रही है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। इसी के साथ साथ बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे बनकर, एक बड़े राजनीतिक दल बनकर उभर कर सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी की मजबूती के पीछे उन्होंने कार्यकर्ताओं का निरंतर संकल्प को अपना पूरा श्रेय दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कार्यकर्ता लगातार एकजुट बने हुए हैं, उसको देखते हुए हमने ये फैसले लिए कि अब आने वाले उपचुनाव में भी हम उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट देने वाले हैं जो कि पार्टी के प्रति समर्पण भाव से काम करते रहे हैं। ऐसे में यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। शिवपाल यादव के परिवार से मुलाकात करने के बाद आखिरकार ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा वक्त तक नहीं रुक सकती हैं। अपर्णा यादव का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है और यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत हुआ तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि आखिरकार अपर्णा यादव को उस चेहरे के रूप में शामिल यहाँ पर बीजेपी ने किया था जिससे कि उत्तर प्रदेश का यहाँ पर यादव परिवार की रणनीतियों में सेंधमारी की जाए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया और इस फैसले से अपर्णा यादव काफी नाखुश नजर आई। शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद ये लगातार अटकलें लग रही हैं कि अब हो सकता है करहल विधानसभा सीट से यहाँ पर अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हुई नजर आए और समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से उनकी एंट्री होती हुई नजर आए। देखना यह होगा कि किस तरीके से आगामी रणनीतियां तैयार की जाती हैं और अपर्णा यादव किस तरीके से 2024 के इस उपचुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।